এত পরিমাণ গোল্ড থাকবে, আমি এসব দেশের মহিলারা অনেক পরিমাণ গোল্ড ইউজ, 11% গোল্ড ইন্ডিয়ান পাবলিকের কাছে গোল্ড কিন্তু একটা শক্তি। কেন স্বাগতম সবাইকে বিচার ডিরেকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। ভিডিও নতুন কিনা জানি না, তবে আমরা নতুন ভাবে দেখছি, সেই জন্য আমাদের কাছে নতুন ভাবে না, আমরা একদম নতুন ভিডিও দেখছি আমাদের জন্য নতুন। আর ভিডিওতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেটা অনেক আকর্ষণীয় বিষয়। আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে হাউ মাচ গোল্ড ডাজ ইন্ডিয়ান পাবলিক হোল্ড এক্সপ্লেইনড। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনারা কি নিয়ে কথা হবে এখানে। ইন্ডিয়ান পাবলিকদের কাছে কি পরিমাণ স্বর্ণ আছে এটা এখন জানতে পারবো আমরা। এটা আসলে আছে আমার কাছে মনে হয়, কারণ কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি মহিলারা কিন্তু অনেক পরিমাণ স্বর্ণ ইউজ করি, সো আমার কাছে মনে হয় অনেক থাকবে। যাই হোক, আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে, তো ওনাদের ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকেও অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। दोस्तों वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी हमेशा से वैल्यू रही है, जब सम्राट अशोक का साम्राज्य था तभी इसकी अशोक सम्राट थे, आज भी इसकी वैल्यू है। और कभी भी आप अगर गूगल करोगे कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी, वहां पे लिखा होगा सेंट्रल बैंक होल्डिंग के बारे में। मतलब कि जैसे इंडिया में है सेंट्रल बैंक आरबीआई, यूएस में है फेडरल रिजर्व, इनके पास कितने गोल्ड है। इस लिस्ट को आप अगर देखोगे तो यूएसए मिलेगा आपको नंबर वन रैंक पे, क्योंकि यूएस के पास टोटल जो गोल्ड होल्डिंग है ये है 8133 मेट्रिक टन। और इसके कई रीजन भी हैं, ओवर द इयर्स क्या है एक मुझे दे दे। काफी पॉलिसी बनाई है जिससे इनके गोल्ड के रिजर्व काफी हद तक बढ़ जाएं। आपको ये जान के रानी होगी कि 1934 में यूएसए ने एक एक्ट पास कर दिया था, गोल्ड रिजर्व्स एक्ट, जिसके अंडर ज्वेलरी और स्पेशल कॉइन्स को छोड़कर अमेरिकन गोल्ड अपने पास नहीं रख सकते थे बुलियन फॉर्म में। जी हाँ, ये हुआ था यूएस में, और बाद में 1960s में जो ये एक्ट है इसको रिलैक्स कर दिया गया, मगर इससे यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा गोल्ड आ गया। और ऑफ कोर्स इस गोल्ड के बदले में यूएस ने अपनी पब्लिक को दिए थे बहुत सारे यूएस डॉलर्स। और इस सब के अलावा कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इटली है, ये भी अपने गोल्ड के कुछ रिजर्व्स रखते हैं यूएस के पास। खैर ये तो हो गई यूएस की बात, इंडिया यहाँ पे आपको मिलेगा रैंक 9th पर। आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड है ये है सिर्फ 676 मेट्रिक टन, और ये जो गोल्ड है ये पार्ट है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नाउ इंडिया को रैंक 9 पर देखकर कई इंडियंस कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये जो नंबर्स हैं ये ठीक है सेंट्रल बैंक के लिए रियल है, मगर जब हम बात करें पब्लिक की, इंडियन पब्लिक के पास बहुत सारा गोल्ड है, इंडिया इजीली यहाँ पर टॉप पे होना चाहिए या फिर एटलीस्ट असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पब्लिक के पास एक्चुअली कितना गोल्ड है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंडियन पब्लिक के गोल्ड की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस पर 2019 में करी थी एक स्टडी, और इनके स्टडी के हिसाब से बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी अगर हम लगाएं तो इंडियन पब्लिक के पास 25,000 टन अमाउंट है। 25,000 टन गोल्ड का मतलब कि इंडियन पब्लिक का गोल्ड यूएस, जर्मनी, इटली, एक्चुअली पूरी जो ये लिस्ट है सबको आप अगर इससे भी ज्यादा गोल्ड आपको मिलेगा इंडियन पब्लिक के हाथ में। और ये जो हंगर है गोल्ड की ये इंडिया में काफी पुरानी है, कई जनरेशन से इंडियंस को ये बताए कि गोल्ड है एक्चुअल वेल्थ, क्योंकि आज के समय आपके पास जो नोट है आप सोच कर देखिए इसकी वैल्यू कब से स्टार्ट हुई, आज से 70-80 साल पहले, मगर गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू 2000 साल पहले भी थी और 2000 साल बाद ही रहेगी, अनलेस कोई हमारे पास एस्ट्रॉयड आ जाए जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड हो, वो अलग सिनेरियो है, मगर डेफिनेटली गोल्ड की वैल्यू आने वाले समय में भी रहेगी। तो इसलिए इंडियंस की एक ट्रेडिशनल आदत है कि फेस्टिवल के टाइम में, फैमिली गैदरिंग्स के टाइम में हम लोग गोल्ड जरूर परचेज करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉपर फेस्टिवल्स हैं जहाँ पर लिटरली गोल्ड परचेज करना एक टाइप का रिचुअल है, और इसलिए ये फैक्ट हमारे सामने आता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स के पास दुनिया का ये मैं आपको बता दूं, एक्चुअली इंडिया में कितने मंदिर हैं जहाँ पर गोल्ड है, वहाँ पे कितना गोल्ड है उसके भी कोई प्रॉपर एस्टिमेट नहीं है। तो इसलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ पे काउंट किया नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ हम बात कर रहे हैं पब्लिक की। नाउ यहाँ पे आप कहोगे ठीक है 25,000 टन सुन के अच्छा लगा, मगर इसका मतलब क्या है, वैल्यू में कितना है। देखिए 25,000 टन का मतलब होता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 110 लाख करोड़ रुपए। समझने के लिए कि ये कितना सारा पैसा है ये जान लो कि इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट था ये था सिर्फ
4,70,000 crore के आसपास। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस अमाउंट के सामने तो ऑफकोर्स ये काफ़ी छोटा लगता ही है। इंडिया के पास अभी इतना गोल्ड है कि कई सालों तक हम लोग चाइना को भी यूएस को भी बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में सिर्फ अपना पब्लिक गोल्ड यूज करके। और 110 लाख करोड़ को आप अगर कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में तो हमारे सामने जो अमाउंट आता है ये है ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 1,135 बिलियन, मतलब के 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स। जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में, उसकी 40% की वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक, इतना सारा गोल्ड है ये। और ये एक्चुअली कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी आप अगर देखो तो इंडोनेशिया, मेक्सिको, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इवन सऊदी अरेबिया की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है उससे भी ज्यादा वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। नाउ इसके देखो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सरकार काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील करती है इस गोल्ड को लेकर क्योंकि इस गोल्ड से कुछ एक्टिविटी होनी थी। आप सोच कर देखो, आपके पास अगर 1,00,000 रुपए आ गए, आप उस 1,00,000 रुपए के परचेज कर लेते हो स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स परचेज कर लेते हो, कुछ एक्टिविटी हो रही है, आपका पैसा सर्कुलेट किया जा रहा है, आपका पैसा आपको रिटर्न दे रहा है, आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सरकार इस पैसे पर टैक्स भी लगा सकती है। गोल्ड में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि एक बार आपने 1,00,000 का गोल्ड ले लिया, सरकार ने एक बार टैक्स लगा दिया, उसके बाद वो गोल्ड बस आपकी तिजोरी में बैठा हुआ है और कई सालों से बैठा ही हुआ है, उसकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है। तो भारत सरकार ने काफ़ी बार ये कोशिश करी है कि लोग इस गोल्ड को यूज़ करें पैसे के लिए। सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी गोल्ड मोनेटाइजेशन, जिसमें भारत सरकार को आप दे सकते हो अपना सोना, उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा एनुअली, और साथ में गोल्ड की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल कल को गोल्ड हो जाता है 1 kg 70,000 रुपीज़ का, तो वो बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। तो सरकार ने काफ़ी ये स्कीम्स लॉन्च करी हैं, मगर अभी भी लोग काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इंडिया में ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं अपने पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने को। और इसका एक्चुअली बेनिफिट भी हुआ, इंटरेस्टिंगली इस सब का बेनिफिट हो गया कोविड-19 पेंडेमिक में, जो कई सदियों की विजडम इंडियंस को दी गई थी कि गोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल में, मुश्किल टाइम में आपको गोल्ड ही हेल्प करेगा। ये साबित हुआ कोविड-19 पेंडेमिक में, जब इंडियंस को चाहिए था लोन, इंडियंस को चाहिए थी वेल्थ, क्योंकि देखो कोविड-19 पेंडेमिक में लगे लॉकडाउन, काफ़ी बिजनेसेस बंद करने पड़े, उनकी कोई इनकम आ नहीं रही थी। अब ऐसे टाइम में लोगों को चाहिए था क्विक लोन, और ये प्रोवाइड किया गोल्ड ने, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट गोल्ड और कई जो सरकारी बैंक्स हैं, लोग वहाँ पर गए, अपना सोना गिरवी रखा और वहाँ से जो अमाउंट है वो निकाला और उसका यूज़ किया लॉकडाउन के टाइम में। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है कि गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म, और एक्चुअली इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी है कि किस तरीके से लॉकडाउन के टाइम में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुथूट गोल्ड है, मन्नापुरम फाइनेंस, इनमें देखी गई है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन बांटे हैं इंडियन पब्लिक को। इस लिक्विडिटी की वजह से ही हम देख रहे हैं कि इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई, और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी 13 या फिर इवन 13.5% के आसपास भी ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेंट्रल रीज़न है, मगर ये काफ़ी बड़ा रीज़न है इंडिया की रिकवरी का। और इस पर बाय द वे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक पूरी रिपोर्ट भी है, गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म, ये गूगल करके आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स मैं कहूँगा कि इंडिया की एक्चुअली एक बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी पब्लिक के पास इतना सारा सोना है। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर यह आती है कि ज़्यादातर जो ये सोना है यह है ज्वेलरी की फॉर्म में। हमारे यहाँ अभी वो कल्चर नहीं हुआ कि प्योर गोल्ड के जो सिक्के होते हैं, जो बार्स हैं, वो हम परचेज करें, क्योंकि इन द फ्यूचर उनको मोनेटाइज करना काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी की एक्चुअल वैल्यू पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। बट ऑल इन ऑल उम्मीद करता हूँ अब आपको पता लग गया होगा कि इंडियन पब्लिक कितना गोल्ड होल्ड करती है एंड व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। तो ये है एंड इस वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। एक्चुअली गोल्ड होल्ड करार क्षेत्रे पॉजिटिव नेगेटिव दुईटा साइडे आछे। हाँ, पब्लिक जेमन गोल्ड राखछे सेटा पब्लिकेर जोन्नो विपद उपकार दिच्छे, किन्तु गवर्नमेंटेर जोन्नो किन्तु सेरकम भावे कोनो बेनिफिट होच्छे ना, कारण एटा स्टक होये थाकछे एकटा जायगा, तो एटा तो मुभमेंट होच्छे ना। मुभमेंट जदि ना हय तखन तो एटार उपरे गवर्नमेंट कोनो धरनेर बेनिफिट पाच्छे ना, ट्याक्स पाच्छे ना, ट्याक्स पाच्छे ना। तो एटा आसले एकदिक दिये खराब, आरेक दिक दिये भालो जे आमादेर विपदेर दिने एटाके हेल्प, एटा हेल्प करे। তো এটা আসলে যেটা দেখলো যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামও কিন্তু একটা আর্টিকেল লিখেছে এটার উপরে, আর ইন্ডিয়াকে হেল্পও করছে এই গোল্ডটা এখন তাদেরকে রিকভারি করার জন্য, এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। আর আসলে আমি বুঝতে পারিনি যে এত পরিমাণ গোল্ড থাকবে। আমি আমি চিন্তা করেছি হ্যাঁ কিছু থাকবে অবশ্যই, আমরা এই সব দেশের মহিলারা অনেক পরিমাণ গোল্ড ইউজ করে সে কারণে হয়তোবা থাকবে, কিন্তু আসলে 25,000
টন টন এবং এই গোল্ডগুলো যা আছে সেগুলো হচ্ছে আসলে জুয়েলারি ফর্মে, কিন্তু জুয়েলারি ফর্মের গোল্ডটা আসলে ইন্টারন্যাশনালি ততটা অ্যাকসেপ্টেবল না, যেটা হচ্ছে বার হিসাবে অ্যাকসেপ্টেবল, যেটা হচ্ছে ইউএসএ তে কিংবা অন্যান্য দেশে কিংবা এবং সেন্ট্রাল ব্যাংকে যে সমস্ত গোল্ড রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে এগুলো হচ্ছে আসলে গোল্ড ফর্মেটে, মানে বার ফর্মেটে রাখা আছে, সেগুলোর যে ভ্যালু এবং যে জুয়েলারি ভ্যালু দুইটা কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যায়। এবং জুয়েলারিটা সবসময় কিন্তু মানে কান্ট্রি টু কান্ট্রি তুমি সেল করতে পারছো না, যেটা বারের মতো করে সেল করা যায় হয়তোবা, মানে ভিডিওর লাস্টের অংশটা দেখে আমার কাছে তাই মনে হলো। হ্যাঁ, হয়তোবা বারটাকে খুব ইজিলি সেল করতে পারে তারা, এবং যখন এক ফর্ম থেকে আরেক ফর্মে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওয়েটের ইস্যু হয়তো একটু কম বেশি হতে পারে বা অন্য অনেক কিছু থাকতে পারে যা আমরা জানি না। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তারা উনি যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে বার হলে খুব ইজিলি এক দেশ থেকে আরেক দেশে তারা এক্সচেঞ্জ করতে পারে এবং তার ক্ষেত্রে তারা ডলার বা অন্য কিছু নিতে অন্য অ্যামাউন্ট নিতে পারে। আসলে ইন্ডিয়ান পাবলিকের কাছে যে পরিমাণ গোল্ড আছে তার জিডিপির যে অ্যামাউন্ট তা আসলে বড় বড় কয়েকটা দেশের যে আর্নিং ইয়ারলি আর্নিং এর থেকেও বেশি। হ্যাঁ, এটা একটা। আর হচ্ছে যে এটা কিন্তু দেখাচ্ছে যে পুরো পৃথিবীর 11% গোল্ড ইন্ডিয়ান পাবলিকের কাছে আছে, তার মানে এটা কিন্তু একটু ছোটখাটো ব্যাপার না, অনেক বড় একটা ব্যাপার, পুরো পৃথিবীর 11% চিন্তা করা যায়। হ্যাঁ, এবং এখন যেটা হলো যে গোল্ড কিন্তু একটা শক্তি, কেননা টাকার ভ্যালু শুরু হয়েছে কিছুদিন আগে, কিন্তু গোল্ড কিন্তু সেই 1000 বছর আগে থেকে চলছে, 2000 বছর আগে থেকে চলছে, তখনও ভ্যালু ছিল, এখনও ভ্যালু আছে এবং এটা ভবিষ্যতে ভ্যালু থাকবে। আর এটা থাকার কারণটা হচ্ছে যে গোল্ড কিন্তু সহজে নষ্ট হচ্ছে না, টাকা কিন্তু যে কোনো ফর্মেই হোক না কেন সেটা কিন্তু এক সময় ডিসপোজেবল হয়ে যাচ্ছে, আই মিন নষ্ট হয়ে যাবে বা এটাকে আবার তোমাকে নতুন করে করতে হবে, কিন্তু গোল্ডটাকে তো তোমার আর নতুন করে করা লাগছে না, ওটা যখন তোমার হাতে থাকছে তখন তুমি যতদিন না তুমি এটাকে ডিস্ট্রয় করছো ততদিন তো তুমি ইউজ করতে পারছো বা অন্য ফর্মে নিচ্ছ, আমি বলবো না যে ডিস্ট্রয় বাট অন্য ফর্মে নিচ্ছ, কিন্তু গোল্ড তো গোল্ডই থেকে যাচ্ছে। তবে এই পরিমাণ গোল্ড যদি মুভ হতো, এটা যদি টাকায় থাকতো, তাহলে মুভমেন্ট হলে আসলে টাকার রোলিংটা অনেক বেশি হতো এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক মানুষ উপকৃত হতো এবং দেশেরও কিন্তু লাভ হতো, কেননা ওটা থেকে আউটপুট আসতো। আসলে এত বেশি গোল্ড দেখে আমার মাথা আসলে ঘুরাচ্ছে, হ্যাঁ আমি আর কথা বলতে পারছি না। তো যদি আমাদের আজকের এই ভিডিও রিয়েকশনটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।